smile. No, Karan. No, yeah. I'm so sick of your boring photography. But तेरे को मेरे ही pictures click करने होते हैं क्या हर बारी? She was 19. खुश थी, आम लड़कियों जैसी थी वो. Daddy. She was full of life. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुक्ति के साथ ऐसा होगा. September 13. Mukti went. देखिए इस केस में ऐसा कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है जो ये केस को आगे बढ़ा सके. तो इसका मतलब है अब केस बंद कर देंगे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा. हैं? कहा क्या? लेकिन आपकी बेटी को ढूंढने में कितना वक्त लगेगा कुछ नहीं कह सकते. मैंने सुना था कि पुलिस वाले कामचोर होते, बिना सबूत के हिलते नहीं और बिना हड्डी देखे भौंकते नहीं. तुम्हें पता है पुलिस कैसे काम करती है, तो एक काम क्यों नहीं करते? अपनी बहन का पता खुद क्यों नहीं लगा लेते? जाओ ढूंढो, हमें तो ऐसे ही काम करना आता है, हम तो ऐसे ही करते हैं. पुलिस अपने तरीके से केस को हैंडल कर रही थी, मुक्ति का कुछ पता नहीं चल रहा था. आखिर वो गई कहाँ? What happened to her? क्या वजह थी उसकी लापता होने की? सवाल बहुत थे पर उन सवालों का एक भी जवाब नहीं था. अब हमारी भी उम्मीदें जवाब देने लगी थी. क्या अचानक डैड क्या हुआ? आई डोंट केयर मिस्टर वर्मा, चाहे जितना भी नुकसान हो जाए, पर जब तक मेरी बेटी मुझे वापस मिल नहीं जाती तब तक मैं मुंबई वापस नहीं आऊंगा. एंड दैट्स फाइनल.
मुक्ति आई थी। मुक्ति की फोटो। मालिक क्या हुआ? मुक्ति आई थी। कब? अभी थोड़े पहले डैड ने देखा। मैं तो यही था, मैंने किसी को नहीं देखा। उस दिन मैंने मॉम के चेहरे पर एक अजीब सा डर देखा था। उनका वही डर, उनका यकीन बनता चला गया कि मुक्ति एक दिन जरूर लौटेगी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सी मॉम गोइंग थ्रू सच पेन, लेकिन एक रात हरिया ने बुलाया है, ये भी हो जाने दो। ये फोटो मुक्ति की है ना? हाँ। आत्मा का वास
लेकिन मॉम ने तो उसे महसूस किया है और डैड ने, अरे डैड ने तो उसे देखा भी है। जो कुछ भी घट रहा है उस पर से तो वक्त ही पर्दा हटाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कुछ उपाय करूंगा। इसे ले जाकर मुक्ति के कमरे में रख दो। अगर ये नींबू लाल हो गया तो ये क्या कर रहा है बेटा? कैमरा फिक्स कर रहा हूं डैड। कैमरा? हाँ डैड, अगर रात को मुक्ति इस घर में आती है तो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे क्या हासिल होगा बेटा? मैं अभी अभी पुलिस चौकी से आ रहा हूं और अभी भी उनका जवाब वही है। मुझे तो लगता है कि तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने डैड, बिल्कुल सही कहा। पिछले 20 दिनों से मेरा दिमाग वाकई ठिकाने पर नहीं है। आपने देखा ना पुलिस किस तरह अपना काम कर रही है। अभी तक मुक्ति का कोई अता पता नहीं है और वो बाबा नींबू देके चला गया। कहता है कि जब नींबू लाल हो जाएगा उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। डैड हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। हर दिन न्यूज़पेपर में मुक्ति के मिसिंग होने की खबरें आ रही हैं। डैड मैं भी कोशिश करूंगा, किसी के लिए नहीं अपने खातिर। मैं इस घर में कैमरा लगाऊंगा ताकि ये पता चल पाए कि आपने और मॉम ने जो देखा है, जो महसूस किया है, क्या वो मुक्ति है या फिर कोई और। धीरे बाद पूरे खंडाला में फैली और उसके बाद मैंने मुक्ति की आत्मा वाली फुटेज YouTube पर लोड की। अब मुक्ति के बारे में हर कोई जानना चाहता था।
मीडिया हमारे घर के बाहर लाइन लगा कर खड़ी थी। देखिए हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, हमारी बच्ची नहीं मिल रही है और ऊपर से अब ये आत्मा आत्मा का चक्कर। हमारे साथ इस समय मौजूद है बाबा, जिन्होंने सबसे पहले मुक्ति के परिवार वालों को मुक्ति के बारे में बताया था। बाबा क्या बताया था आपने? मैंने बताया था कि इस घर में मुक्ति की आत्मा का वास है। अगर आपने तो कहा था नहीं है। लेकिन नींबू तो लाल हुआ था ना, वो नींबू मेरा था। पुलिस के निकम्मेपन को मीडिया ने खूब उछाला। सर आज एक लड़की को ढूंढने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? इसमें आप लोगों की नाकामी साफ दिखती है। और कितना वक्त लोगे आप उसको ढूंढने? देखिए हम नाकाम नहीं है, एक हफ्ते के अंदर मुक्ति चल जाएगी। एक हफ्ता फाइन। पुलिस को मीडिया के प्रेशर की वजह से मुक्ति को ढूंढना पड़ा। सर 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 आप ऐसे बच के नहीं जा सकते सर। वो जिंदा नहीं थी, पुलिस को उसकी लाश मिली। मुक्ति के साथ क्या हुआ ये आज भी हमें नहीं मालूम, लेकिन आज हम इतना जरूर जानते हैं कि मुक्ति हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं मुक्ति को सॉरी बोलना चाहता हूं। मुक्ति आई एम सॉरी। मॉम डैड मैंने ये बात सारी दुनिया से छुपा कर रखी और आप दोनों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए आज मैं अपना कन्फेशन इस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ना तो कभी इस घर में मुक्ति की आत्मा भटकती थी और ना ही वो सबूत सही थे जो उसकी आत्मा के होने का दावा करते थे। मुझे अपनी बहन का पता लगाने के लिए इस तरह झूठ का साला लेना पड़ा। मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, पर मैं क्या करता। मॉम डैड मुझसे आप दोनों का दर्द नहीं देखा जा रहा था, क्योंकि आप लोग फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि मुक्ति जिंदा है या मर चुकी। इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता बचा, मीडिया। और मैंने मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार मीडिया ने मुक्ति के मिसिंग और आत्मा वाली न्यूज को उछालना स्टार्ट किया तो पुलिस को झक मार कर भी उसको ढूंढना पड़ता। और वही हुआ। इसलिए आज मैंने तानी को भी यहां बुलवाया है, जो मुक्ति बनकर आज तक इस घर में घुमा करती थी।